गाइस चल दिए हम अपने सेकंड कंटेंट क्रिएटर शारू महाराज स्टार्ट है। इसके फोन से मुझे बनाया नहीं आता। हमारे घर का राशन पानी खत्म हो गया है तो राशन पानी लेने के लिए आ रहे हैं। मम्मी ने कहा कि सामान वगैरह ले लो। यहाँ पर नजदीक में एक सरकारी कैंटीन भी, लेकिन इतने दूर जाके थोड़ा बहुत सामान आना कोई वर्थ नहीं है। तो मन ने कहा कि चाचा लोग दुकान से सामान वामान ले आते हैं। और साथ में चारू को बोला, चारू का मन था कहीं क्या गाड़ वाड़ मतलब नदी वगैरह की तरफ घूमने का। तो हेमंत ने कहा कि चारू को ही बुला ले साथ में। साथ में कोको लाने का मन था, कोको को लाएंगे कैसे? हेमंत आज कुत्ते भी नहीं है। हेमंत ने डरा दिया कुत्ते होंगे, मम्मी के कुत्ते होंगे। उसको कोको है भी तो इतना छोटा सा ना, कहीं भी उठा कर दबोच के ले आएगा। हाँ मिक्स ब्रीड है ना, एकदम लंबे चौड़े होते हैं कुत्ते। तो अभी हेमंत के मामा के यहाँ से पहले सामान वामान लेंगे, उसके बाद झूला झूलने चलेंगे। झूले पे झूला झूलने पुल पे झूला झूल करते हैं। हाँ हिम्मत वाले मुंडी आई नहीं होगी, पक्का पक्का आई है। मैं कहता हूँ वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ, पक्का आएगी। सब आए तो गाइस अभी हम आ गए हैं राम गंगा नदी के पास। और ये लाओ यार बोरिंग ब्लॉग, ये दिखा तो दूं लेकिन अच्छा दिख रहा है। अब हमने खा लिया है गाइस। तो मैं व्लॉगर नहीं हूँ, मैं हजार बार बता चुका हूँ। लोग देखते हैं चलो रखो फोन। अब गाइस अब आ गए, ये बंदा खुद बाउंसर से मैंने घूम रहा, मेरे को फोटोशूट करोगे मेरे साथ? कह रहे मैं अच्छा नहीं हो रहा हूँ। अब आप खुद बताओ गाइस अच्छा कौन हो रहा है, मैं या ये? और झूला देख इतना मस्त, इतने मस्त हो रहे ना। जा दुबिया तू के पीछे है बैकग्राउंड में, तेरे को तो लेना बनता है। तू तो रैपर बना घूम रहा है, गले में चैन वैन लटका के, ओवर साइज शर्ट टी शर्ट है। इस नदी में हमारा नहाने का प्लान था आज, बट मौसम विभाग हमारा साथ नहीं दे रहा है। आज बहुत गर्मी, मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है। नहीं आज गर्मी थी दिन में, आज थी। अगर ऐसी गर्मी नहीं तो कल या परसों शायद हम ना वहाँ पर, वो रो है वहाँ पानी ज्यादा रहता है, वहाँ हम नहाने आएंगे शायद, अभी कुछ पता नहीं है। फिलहाल फोटोशूट कर लें, करें फोटोशूट। ये देखो फोटोशूट चल गया, यहाँ शुरू भी हो गया। चलो आ जाओ यहाँ पे रील्स की, रील्स बनाने से पहले प्रैक्टिस चल रही है डांस की। मेरा गीवा आशु कर रहा था, मैं वैसे तेरी चून नहीं है, मैं क्या करूं? रहने दे भैया, नहीं हो पाएगा तेरे से। मेरा गंदे स्टेप करती ना, गंदी रील कर रहा है। मैं तो कॉमेडी अच्छी करती हूं। हां बहुत लोग बोलेंगे कॉमेडी भी अच्छी नहीं करती। क्यों चारू? नहीं बहुत बेकार है, देखा अंदर है। अब तेरा सॉन्ग फाइनल हो गया हो तो बना दूं। गली को मैं छोड़ा पागल है क्या? ओ, बस कर अब बना यार, फटाफट बना। अरे मैंने बना दिया, मैं पागल होने काम कर रही हूँ। बनाऊँ? हाँ जल्दी बनाओ ना। आजा ये देखिए, ये रीलर आ चुके हैं इंस्टाग्राम के। अब मैं आऊंगा पीछे से, बहुत बेकार। गाइस अभी सोके उठे हैं, ऐसी बेहोशी की हालत में सो रखे थे कि कुछ होश ही नहीं था। मम्मी के फोन फोन बज गया ना, इसको होश ना मुझे होश, मतलब ऐसे मुर्दों की तरह लेटे हुए थे कि क्या ही बोलूं मैं। पूछो मत, ऐसे सो रखे थे। हां थोड़ा खड़े हो जाओ महाराज, थोड़ा सा अपने पैरों को कष्ट दे दो। और जितनी मिठाइयां थी अभी तक आई हुई, वन बाय वन सारे डब्बे खत्म हो रहे हैं। मतलब खत्म क्या, मोस्टली खत्म होने को ही आए हैं। कम से कम 10-12 डब्बे आए होंगे। और वेदर फिर से लग रहा है कि बारिश आएगा। हेमंत के घर की साइड को, गांव की साइड को बारिश हो भी रही। मम्मी अब हाँ फोन आया था मम्मी अब की बारिश हो रही करके। और ये है हमारा मोती, अपने आप को मोती दिखाओ। ये खो तो खो गया था पता है आज। बुआ कह रही कोको कहाँ गया, कोको कहाँ गया। मैं सुन तो रही थी, मेरे को नींद में थी मैं। थोड़ी देर बाद कोको यहाँ पर्दे के भी छुपा हुआ था। कौन से पर्दे के पीछे? ये जो दरवाजा है ना उसके पीछे, वहाँ मिला है बुआ को। बुआ टेंशन में कोको कहाँ गया, कोको कहाँ, दोनों ढूंढने में लगे इस कमरे से उस कमरे। मौसम तो गाइस फिर से खराब हो गया, मतलब पहाड़ों उस पार और उस पार हमारा गांव है, वहाँ पूरी बारिश वारिश हो रही है। पापा मम्मी का फोन आया था अभी। हाँ, आज रात के लिए बन रहा है ये करेला। अच्छा चल बढ़िया कर रहा है, सही है। खराब होने से तो अच्छा ही है, वेस्ट होने से अच्छा है। तो क्या हो गया? मैं मतलब हमारे बचपन में जब हमारे दोस्तों के साथ डिस्कशन चलता था तब भूतों की बातें होती थी, तब वो कहते थे
कि भूत दिखाई देता है कुछ तो ये भूत दिख रहे हैं कोको कोको आपको भूत दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा वहां तो ताऊजी बैठे हैं कुछ नहीं दिख रहा आ जाओ अरे वो नॉर्मल ही हेमंत तो बस बिल्कुल ऐसे कर रहा था मैंने थोड़ा सा स्टाइल दिखाने की कोशिश की लोगों को घर में चिकन नहीं बना है बाहर से चिकन बन के घर में आया है ये इंसान झूठे आप लोगों को समाचार प्रदान मतलब ताईजी लोग मतलब अरे भैया बाहर से बनकर आया घर में नहीं बना है वो नीचे वाले किसी के घर में बनाया था मतलब जो ताईजी लोग आए हैं उनका पूरा परिवार आया तो उन लोगों ने चिकन विकन किससे बनवाया है बाहर से और अभी घर में आया है रोटियां घर में बनी है तुम गलत हमेशा समाचार क्यों पहुंचाते हो हैं है? और हेमंत इतना खुश हो रखा है चिकन खाने के लिए भाई साहब चिकन और हेमंत का तो ऐसा सालों सालों जन्मों जन्मों का नाता है पता नहीं क्या पूछा तक नहीं कि आ मासी खा रहे मैंने कहा हेमंत व्लॉग बना रही हूँ दो मिनट का सबर नहीं कि व्लॉग बना रही हूँ दो मिनट रुक जाऊ चालू हो गया सच में यार बड़े तुम बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के इंसान हो अरे मैं लोगों को दिखा रही हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है यहाँ पर देखो सब लोग बैठ के गपी आ रहे हैं यहाँ पर ये वेज वाले जो वेजिटेरियंस हैं उनका खाना चल रहा है नॉन वेज वाले अंदर बैठे हुए हैं वो लोग वेट कर रहे हैं कि मतलब रोटियाँ वगैरह बनेंगी तो हम लोग खाएंगे मैं तो हेमंत अपने घर में मतलब रूम में बैठ के खा रहे हैं तो बस यहीं पर इसी के साथ गाइस इस व्लॉग का एंड भी करते हैं व्लॉग हो रहा है बहुत बड़ा बहुत बड़े बड़े व्लॉग बन जा रहे हैं गाँव में हाय पीयू आप मेरा व्लॉग एंड करने आए हो अरे क्या पता है कोको चाहिए आपको पहले बाय बाय कर जैसे बोलो बाय गाइस गुड नाइट बोलो गुड नाइट चलो गाइस बाय बाय उसको कुत्ते के पास जाना है